बांदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के छात्रों ने बिना रिजल्ट घोषित किए मेरिट लिस्ट जारी करने और एडमिशन हो रही देरी के चलते आज सैकड़ों छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाविद्यालय के गेट के बाहर रोड जाम कर दिया। सूचना पर तत्काल पहुंची स्थानीय पुलिस और महाविद्यालय प्रशासन व खुद प्राचार्य ने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहे। पूरा मामला बांदा शहर के सिविल लाइन्स स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय का है, जहां अभी तक रिजल्ट ना आने व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरिट सूची जारी करने सहित एडमिशन में हो रही देरी के चलते नाराज छात्रों ने पहले प्राचार्य डॉक्टर कुशवाहा से वार्ता कर रिजल्ट घोषित करवाने की मांग की, ताकि समय पर छात्रों के एडमिशन हो सके। भैया शुभ नाम आपका? कार्तिकेय गुप्ता, नगर मंत्री बांदा। ये बताइए किस बात को आज सड़क जाम किया था? आज सड़क जाम हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट एमए की जारी कर दी गई, परंतु बीए सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण बीए सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थी मेरिट फॉर्म भरने में एवं मेरिट लिस्ट आने में असमर्थ है। महाविद्यालय में 60 सीटें हैं एमए की, लेकिन अभी किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र का नाम नहीं आया, जिस वजह से वो एडमिशन लेने में असमर्थ हैं एवं वंचित रह जाएंगे। इस कारण हमने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के सामने आंदोलन प्रदर्शन एवं सड़क जाम करके महाविद्यालय को चेतावनी दी है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो विद्यार्थी परिषद एवं विद्यार्थी परिषद के साथ महाविद्यालय के कार्यकर्ता आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। इसके जिम्मेदार महाविद्यालय के प्रचारक एस कुशवाहा होंगे। अभी बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला? बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, वो टालने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।